तो गाइस देखिए हमारा हो गया चिकन कोरमा रेडी। दिखाओ बेटा, डिश आउट कर दिया हमने। ये देखिए जबरदस्त किस्म का रोगन, ऊपर मसाला अलग है, रोगन अलग है, ठीक है ना। और इसमें ना हमने, जाहिर सी बात है, कोरमे में ना धनिया ना पुदीना ना मिर्ची कुछ नहीं डालता हमने, सिर्फ इसमें दही ऐड करी है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम बना रहे हैं शाही कोरमा अपने स्टाइल में। क्या है ये? शाही कोरमा। यस, चलो शुरू करते हैं। चिकन हमारी धुल रही है, अभी हमें प्याज लाल करते हैं, क्योंकि प्याज ब्राउन करना ज़्यादा टाइम लगता है ना भाई। शाही कोरमा, चिकन कोरमा अपने स्टाइल में, देगी स्टाइल जो बोल लो। और हम खा रहे हैं सेब। सेब खाना अच्छी बात है, खून बनता है, आप लोग भी खाओ। कब लाल करेंगे मम्मा प्याज? पानी खुश हो जाए, तपेली का पानी खुश हो जाए। तपेली नहीं, पतीली। जानबूझ के छेड़ रही हूँ। तपेली पतेली, पतेली का तपेली। और गाइस सुनाए क्या हाल है। कल हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, आज हम माशाल्लाह बहुत फ्रेश हैं, फिट, अल्लाह का शुक्र है। और हमारा जायका मुँह का ख़राब हो रहा था, तो आज हमने सोचा चटपटा सा अच्छा सा कोरमा बना लें। हमारे खाने में वैसे तेल ज़्यादा होता है, कोरमे में तो आपको पता है इसका दुगना जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कोरमे में अच्छा बनता है, ज्यादा तेल कोरमे में अच्छा लगता है। और कोरमा अलग तो क्या ही बात है, वो है मसाला अलग। चल हम ये प्याज डालने लगे हैं और इसको ब्राउन करके निकालेंगे, फिर इसको ग्राइंड करेंगे। आगे आगे आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे क्या क्या है, ठीक है ना। बस ये प्याज ब्राउन करने में थोड़ा टाइम लगता है, वरना चिकन का कोरमा बनाना आधे घंटे का काम है बस। अगर प्याज को डालो तो 15 मिनट में तैयार। हाँ, रेडीमेड प्याज मिलती है ना, जो पैकेट में मिलती है रेडीमेड, फ्राइड, हाँ वो लाके आप ब्राइंड कर सकते हैं और फटाफट 15 मिनट में तैयार। बल्कि चिकन तो ऐसी चीज़ है, ज़बरदस्त चीज़ है चिकन। और गाइस सुनाएं आप लोग कैसे हैं, कमेंट करके बताएं। आप कमेंट बड़े अच्छे अच्छे करते हैं। कल हमारे पास 2 कमेंट आए, बड़े प्यारे हमारे 2 भाई हैं, पता नहीं बहनें हैं, अच्छे कमेंट कर रहे हैं, ऐसे करते रहा करें, बड़ा अच्छा लगता है। पाकिस्तान के आप लोग को बता दूं, पाकिस्तान के नहीं है वो लोग, ऐसे ही कमेंट करते रहा करें, अच्छा लगता है, हमारा दिल खुश होता है, वैसे और दिल चाहता है कि हम अच्छे से अच्छी वीडियो डालें, ठीक है ना। और आप लोगों का दिल जीते और आपका हाथ कमेंट किए बगैर रुके ना भैया, आपका प्यार मोहब्बत है जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं इंशाल्लाह, और आगे तक पहुँचेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते ही लाइक कर दिया करें, क्योंकि आप लोगों को पता है हम लोग कितने अच्छे खाने बनाते हैं, मम्मा बनाती है, और साथ साथ आवाज़ भी निकाला कर। बिना आवाज़ के वीडियो नहीं बनती भाई, जो बना रहा है आजकल उसको बोल रही हूँ मैं, बिना आवाज़ की वीडियो नहीं बनती, ब्लैक ब्लैक हाथ दिखते हैं, शक्ल भी दिखाओ। बुरा नहीं मानना, मजाक कर रहे। भाई कॉमेडी भी चाहिए ना भाई, वीडियो के साथ साथ खाना बनाते रहे और कॉमेडी भी अच्छी लगती है, ताकि आप लोग हंसे हमारी बातों से, आपका खून बढ़े, हमें दुआएं मिले, है ना भाई। ये थोड़ी सीरियस, आओ हम आपको बनाने सिखाएंगे, ये वो आओ बनाने सिखाएंगे, खत्म। इसी तरह हमारी बातें भी हो जाती हैं, थोड़ी बहुत हमारा काम भी हो जाता है। अल्लाह आप सबको खुश रख के खानों में बरकत डाले, हमारे खानों में, आपके खानों में बरकत दे अल्लाह ताला, जायकों में बरकत डाले, हाथ में जायका दे। बहुत सिवैयाँ फीकी थी वो, इतनी सारी सिवैयाँ थी, और चीनी बचा ली, बहुत महंगी हो रही है चीनी, इसलिए बचा ली है भाई।
हमारे यहाँ मीठा ज़्यादा खाया जाता ना, इसलिए हमने बोला हमारे हिसाब से चीनी बहुत कम थी। योगर्ट कितने लिए मम्मा? हमने लिया आधा पाव, सब जाएगी इसमें। एक पाव नहीं, आधा पाव। हमने शान का मसाला एक साथ में पूरा जाएगा मम्मा। घर के मसाला मसाले थोड़े से जाएंगे, लाल मिर्च ऐसा भी नहीं है सारे, मतलब बाहर का कुछ भी नहीं डालो मसाले, घर का डलता है। हम ऑडियंस को बताया ना हमारी कि हम अगर पुलाव भी बनाते हैं, कोई सी भी चीज़ बनाते हैं, बाजार का मसाला भी होता है और घर का। बाजार का मसाला क्यों होता है? खाली फ्लेवर के लिए, फ्लेवर के लिए। तो मैंने आपसे बोला हुआ है कि फ्लेवर के लिए खाली हमारा घर का मसाला, वो बाहर का मसाला होता है सॉरी, और घर का मसाला तो जाहिर से बात है वो तो उसी से कलर आता है, खुशबू के लिए, जायके के लिए, फ्लेवर कह सकते हैं आप, तो हम बाजार का डालते हैं, और कोई वजह नहीं है। घर के मसाले जिंदाबाद, है ना भाई? चलिए बहुत। हाँ भाई, हमारी छोटी शेफ का है, हमारी छोटी शेफ जो है ना चिकन धो रही है, जूनियर शेफ। अरे यार मम्मा बार बार भूल जाते हो। चलो जो भी अभी आएंगी आपको, आपको नेक्स्ट वीडियो, मतलब जो अभी अगला प्रोसीजर है फॉर्मे का अगला पार्ट है, वो हमारी छोटी शेफ दिखाएंगी आपको, जूनियर शेफ यार। अरे हाँ भाई, जो भी। वेलकम बैक गाइस, ये देखिए हमारी ब्राउन हो गई है प्याज, गोल्डन गोल्डन हो गई है, अब इसको हम निकालेंगे। अच्छी तरह निचोड़े ऐसे, और ये बोर्ड से देख ले जली नहीं है, वरना कमेंट में आता है जला दी। ये गोल्डन गोल्डन, ये वाली चिकन धुल गई है, उठा ना। बड़ा स्पून लेना छोटा, इसको तेल पूरा झाड़ के निकालना होता है। तो इसको ले लिया, दबाएं इसको अच्छी तरह, ये जब हम इसको ग्राइंड करेंगे ना तो तेल सारा खत्म हो जाएगा, क्यों ना हम निकाल लेते हैं। प्याज कितने ली थी आपने? प्याज आधे किलो, पूरी पूरी आधे किलो ली थी, बन के एक पाव हो गई, और आधा किलो की चिकन ली हमने। कोरमा कितना बनेगा? एक किलो। फिर आधा किलो, एक पाव, एक तीन पाव चलिए, वीडियो बड़ी हो रही है मम्मा ये निकालने में। अब बस चिकन डालेंगे, ऐसे ना डाल दो, बंद कर दो चिकन। अब क्या करेंगे सही बताएं? इसको डालेंगे, भुनेंगे चिकन को प्याज में, तेल में। अच्छा, प्याज तो पीसेगी। हल्दी, नमक और लहसुन, हल्दी भी जाती है थोड़ी सी, कोल में थोड़ी सी डलती है। हाफ टी स्पून दे रहा है, क्वार्टर टी स्पून, हाफ से भी हाफ जाएगा। इसमें लहसुन अदरक, ये नमक,
नमक कितना खास जायका है ना, स्वाद नहीं स्वाद है, स्वाद नहीं स्वाद, मतलब के जिसको जितना चाहिए ज्यादा तेज अपने टेस्ट के मुताबिक, स्वाद नहीं स्वाद। ओहो तो ये चूल्हा गंदा होता है, मुझे जहर लगता है। पहले चिकन भूनते हैं, कुछ भी बनाएं आप, चिकन कढ़ाई बनाएं, पुलाव बनाएं, पहले इसको चिकन को भूना करें फिर कुछ बनाया करें। हीक नहीं आती, हम चिकन कढ़ाई बनाएंगे पर आपको चिकन को पहले भूनेंगे और इसी में आपको टमाटर डाल के दिखाएंगे, फिर देखेंगे कितने मज़े की बनेगी। चिकन कढ़ाई का पैकेट डलता है, घर के मसालों को नहीं बनती हमारे यहाँ। मैं अपनी बात कर रही हूँ, ऐसे भुने लहसुन अदरक हल्दी गरम मसाला और नमक डाल के, ये गरम मसाला कैसे खुशबू आ रही है लहसुन अदरक की ना, अभी समझ आएगी थोड़ी सी। एक चम्मच मम्मा ने एक भी बार चिकन बिरयानी बनाना है ले इसकी बिरयानी, व्यूअर्स नाराज हो रहे हैं, हमारे यहाँ पुलाव शौक से खाया जाता है, चलो बनाएंगे। एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, कोरमा मसाला, थोड़ा सा पानी, खाने ऐसे बनाएं आप कि जो देखे उसका दिल खुश हो जाए, ना कि ऐसे बनाए कि लोग डिसलाइक कर दें। अब ये देखें, हम ये भूनेंगे ताकि कच्चे मसाले के ना, उसको हम मज़ीद 15 मिनट बनाएंगे, पकाएंगे, हमारी चिकन भी भुन जाए और मसाला भी भुन जाए। ऐसे वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आप लोग फुल वॉच करें शुरू से लेकर एंड तक, एक एक स्टेप वॉच करें। ये हम देखें आधा गिलास पानी डाला है इसमें और हम इसको पकने छोड़ देंगे, फिर हम आपको प्याज इसमें ब्लेंड करके फिर दिखाएंगे, डालेंगे आपके सामने और फिर दही भी ऐड करेंगे तो बिल्कुल कौरमा तैयार हो जाएगा। ठीक है ना, तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय। ओके जब तक के लिए आधे घंटे के लिए। हाय गाइस वेलकम बैक, हमारी प्याज हो गई है ग्रैंड, देखेंगे इतनी अच्छे से मैश हो गई है, हमने पीस लिया, अब इसमें डालेंगे, हमारे चिकन गल गई है, दही डालेंगे, प्याज डालेंगे, आइए आपके सामने डालेंगे। आइए कम 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 वेलकम, ये गई हमारी प्याज ब्राउन की भी हमने ग्रैंड की थी, कोरमा बना रहे हैं हम। ठीक है ना, जोर जोर से बोलना चाहिए ताकि अगले को आवाज आए। कौन सा अगले को? जो सुन रहा है उसका अगर मोबाइल का वॉल्यूम कम हुआ बेचारेगा, तो हमें तो जोर से बोलना चाहिए हमारी ऑडियंस को। यस, और अच्छा पक पक के खुद ही गाढ़ा होगा ये। बेटा प्याज डालिए, पक पक के गाढ़ा होगा, क्यों नहीं होगा। अब हम थोड़ा डालेंगे पानी, जिन्होंने नया स्टार्ट चैनल शुरू करा अल्लाह ताला उनको तरक्की दे, हमारी देख हम देख कोई मसला नहीं है, अल्लाह ताला देख के अगल आती है दूसरों को, सही बात है।
जिसने भी शुरू करा है मैं उसका नाम नहीं लूँगी, अल्लाह ताला उसकी कामयाबी हासिल करे। जाहिर सी बात है सबको उम्मीद होती है, अच्छा कंटेंट हमें भी उम्मीद थी, मगर अच्छा बनाए, अच्छे से अच्छा बनाए ताकि आपके लाइक अच्छा आए। और कोई ज़रूरत मतलब चाहिए तो हमसे पूछ सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, मतलब कोई मसला नहीं। चैनल के अबाउट में मैंने जी मेल का है, उस पर आगे मेल करो। ये हमने डाली इसमें प्याज, अब हम डालेंगे इसमें दही। दही विदाउट वाटर मैं हाँ जी पानी बाद में अभी रुक जाओ ना, ये दही डालूंगी ना अभी, इसको पकने तो दो। अभी दही को फेटेंगे, क्या करेंगे? फेटेंगे नॉट फेटा इस पेटा आपने मुझे ये भुला दिया, फेटा। ये हम डालेंगे दही, अब गाढ़ा हो जाएगा ना मम्मी। चलो हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, ये तुम खा लो। हमारा कोरमा होता है गाढ़ा, हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे इसमें, इसी पानी में तरी गाढ़ा ही अच्छा लगता है। हाँ इसमें तरी आ जाएगी हमारे कोरमे में, तो फिर हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। थोड़ा दही डाला है ना, पकाएंगे ऊपर करो बेटा, मोबाइल गर्म हो जाएगा। तो गाइस कैसी लगती हैं आपको हमारी बातें? अच्छी लगे तो कमेंट करें, ना अच्छी लगे तो कमेंट करें, कोई मसला नहीं है, है ना भाई? मगर कमेंट करें, लाइक करें। बातें करते रहते हैं ना आप लोगों से, बड़ा मज़ा आता है, यकीन करें। ऐसे लगता है हम लोग आमने सामने बैठे बाकी बातें कर रहे हैं। और वीडियो को शेयर करें, जिन लोगों को कोरमा पकाना नहीं आता ना उनको शेयर करो, बोलो ऐसा बनता है कोरमा। चिकन का कोरमा भी ऐसे बनता है, मटन का भी ऐसे बनता है। हम इसको ऐसे यूं कर रहे हैं कि दही पक जाए, ऐसे ऐसे करेंगे ऐसा। अब इसको हम हल्के चूल्हे पे रख देंगे ताकि इसका रोगन ऊपर आ जाए, फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तब तक के लिए ओके बाय। तो गाइस देखिए हमारा हो गया चिकन कोरमा रेडी, दिखाओ बेटा, डिश आउट कर दिया हमने, ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का रोगन, ऊपर मसाला अलग है रोगन अलग है, ठीक है ना। और इसमें ना हमने जाहिर सी बात है कोरमे में ना धनिया ना पुदीना ना मिर्ची कुछ नहीं डालता हमने, सिर्फ इसमें दही ऐड करी है। गार्निशिंग के लिए भी हमने कुछ नहीं डाला, कोरमा कोरमा होता है भाई, है ना भाई। ये था हमारा आज का कोरमा, हो गया रेडी आधे घंटे में। कितने घंटे में? आधे घंटे में, 15 मिनट तो प्याज लाल और प्याज लाल ब्राउन करने में ना बड़ा टाइम लग जाता है, 10 मिनट लग जाते हैं तकरीबन। तो कल हमने आपसे बोला था ना चैलेंज के तौर पे हम अच्छी से डिश बनाएंगे इंशाल्लाह, तो अल्लाह ने हमारा साथ दिया, मुझे हिम्मत दी, मेरी तबीयत सही हो गई, आप लोगों ने दुआ करी। तो ये थी आज की हमारी चिकन वीडियो, चिकन की कोरमे की वीडियो, और अच्छी अच्छी मज़ीद वीडियो आती रहेंगी आपके पास, दुआ में याद रखिएगा। और कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। कोई बात बुरी हो तो दिल पर मत लेना, क्योंकि मजाक हमारी वीडियो पर चलता रहता है, ठीक है भाई? लाइक करके जाना, लाइक लाइक करके जाना।